वायरस वर्ड सभी ने कई बार सुना होगा, जैसे फ्लू वायरस, सीजनल वायरस और चाइना में स्प्रेड हो रहे कोरोना वायरस के चर्चे सभी जगह देख सकते हैं, जिस कारण सबको इस वायरस के संबंधित अलर्ट किया है। कोरोना वायरस की वजह से चाइना में काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। बढ़ते वायरस से एक सवाल आया कि यह वायरस होता क्या है और हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले ईयर 1901 में फर्स्ट ह्यूमन वायरस डिस्कवर किया गया था। देखा जाए तो हम कई वायरस से घिरे हुए हैं। आसपास से सराउंडिंग से लेके हम सांस लेते हैं तब भी कुछ वायरस बॉडी में एंटर होते हैं। हर एक सेकेंड हम सांस लेते वक्त कुछ वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि हम आंखों से कभी देख नहीं पाते हैं। तो फिर इतने छोटे वायरस हमारे लिए कितने घातक हो सकते हैं? इस वीडियो में जानते हैं वायरस बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल होते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायरसेस शेप और कॉम्प्लेक्सिटी में अलग अलग होते हैं। कोई भी वायरस का रियल शेप या कॉम्प्लेक्सिटी माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है। वायरसेस हमारे आसपास होने के कारण नोज, माउथ या स्किन से बॉडी में एंटर होते हैं। आपके आजू बाजू को इन्फेक्टेड पर्सन छींका और वही वायरस पार्टिकल आपने इनहेल किया तो आपके सेल्स लाइनिंग से अटैच होते हैं। वायरस नोज में सेल लाइनिंग को अटैक करके बहुत रैपिडली बॉडी में न्यू वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल्स ब्रेक होने के बाद न्यू वायरसेस ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में स्प्रेड होते हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन पे रिस्पोंड करता है। जब इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से फाइट करता है उस प्रोसेस में पाइरोजेन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है। इस केमिकल के कारण बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वायरसेस ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल्स को अटैक करते हैं जिस कारण मसल्स में पेन होने लगता है। जब मसल्स पेन होने लगे तो वायरस बॉडी में पूरी तरह फैल चुका होता है। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो बॉडी सेल्स में काफी समय तक रहते हैं लेकिन उसका इन्फेक्शन फिर भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान HIV हो तो उसे सालों तक उसके सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं लेकिन उसका वायरस दूसरे लोगों तक स्प्रेड हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वायरस हमारे बॉडी को किस तरह अटैक करते हैं और कैसे हमारी बॉडी उसे इन्फेक्ट होती है। अगर वायरस से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।